नमस्कार। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए लेकिन उनकी मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अब कल उनकी फिर से सहरसा कोर्ट में पेशी होने वाली है। जेल से मोबाइल फोन की बरामदगी मामले में पेशी होनी है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुका है और हम आपको बता दें कि सहरसा के तत्कालीन जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी ने जेल से मोबाइल फोन बरामद के मामले में उन पर केस दर्ज कराया था। डीएम और एसपी की छापेमारी के दौरान आनंद मोहन के सेल में साल 2021 में 4 मोबाइल मिले थे। तो जेल से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और इसके बाद से आपको बता दें कि मुश्किलें कम नहीं हो रही। हालांकि रिहाई के बाद से ही देखिए लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि सहरसा कोर्ट में होनी है आनंद मोहन की पेशी। वार्ड से मोबाइल फोन बरामद के मामले में आपको बता दें कि पेशी होगी और इसे लेकर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें साल तमाम जानकारी के साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अगर देखने वाली बात यह है कि कल सहरसा कोर्ट में पेशी होनी है तो मुश्किलें कुल मिलाकर कम नहीं हो रही है आनंद मोहन की। प्रशांत जी, बिल्कुल सही करी है पंजली, क्योंकि जिस तरह से इनका एक मामला रिहाई तो सहरसा जेल से इनकी हो गई, ये बाहर निकल गए, अभी कहां है कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कोर्ट के आदेश है उस कोर्ट के आदेश में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि 1 मई को इनकी पेशी है, जो सहरसा जेल में इनके पास से मोबाइल बरामद हुए थे, जिस मामले में चार्जशीट भी सबमिट हो चुका है। चार्जशीट का नंबर 10/30/21 है और ये चार्जशीट भी सबमिट हो गया है, चार्ज फ्रेम हो चुका है और इस पर अभी लगातार जो है सुनवाई चल रही है। तो पिछला 17 अप्रैल को इनकी सुनवाई थी, उसमें जिसमें ये कोर्ट में पेश हुए थे और 1 मई को इनको कोर्ट में पेश होना है और उस दिन ये कोर्ट तय भी करेगा कि यह मामला कितना आगे तक जाएगा या ट्रायल कब खत्म होगा, ताकि जो भी इस मामले का फैसला हो वो जल्दी सामने आ सके। अंजलि जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी देखिए बात यही है कि पहले भी रिहाई पर लेकर लगातार देखिए सवाल उठ रहे थे। एक तरफ आपको याद होगा इसे लेकर सबकी अलग अलग दलील सामने आई, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ ये कहा गया कि देखिए बिहेवियर की बात करते हैं कि उन्होंने सारी प्रक्रिया को फॉलो किया, अगर मोबाइल फोन था तो ये तो उल्लंघन है कानून का। देखिए क्या है कि इस पूरे मामले को लेकर के पूरा विवाद हो गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज कर दिया गया है, हाँ। याचिका दायर कर दी गई है जी। और ऐसे में पटना हाईकोर्ट में 2 मामले दायर किए गए हैं, एक तो यहाँ अमिताभ दास जो पूर्व ICS है उन्होंने दायर किया है, एक अमर सुशील ने दायर किया है। कुल मिला के इस पूरे मामले में जितना भी सरकार बचने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूरी बात कही और कहा कि उन्होंने सिर्फ एक प्रयास किया और 2016 का जो जेल मैनुअल का अमेंडमेंट है उसके बारे में भी नीतीश कुमार ने खुल के कहा कि कैसे 2012 को तमाम लोगों को वो सुविधा देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिहार पर छोड़े जाने के जो आदेश है उसमें जो तरीका अपनाया गया था उससे सारे लोग संतुष्ट नहीं है, इसीलिए विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ आनंद मोहन जब जेल में थे उस समय जेल में छापेमारी की गई थी और छापेमारी के दौरान उनके वार्ड से जो जेपी खंड जिस वार्ड में वो रह रहे थे उस वार्ड से मोबाइल बरामद किया गया था, 4 मोबाइल था, कीपैड मोबाइल थे और उसको लेकर के खुद तत्कालीन जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी ने मामला दायर कराया था, जिस मामले की चार्जशीट भी दाखिल हो गई और उसके बावजूद सरकार ने इनकी रिहाई के आदेश जारी किए और 1 मई को इनको पेश होना है कोर्ट में। अब तक जेल से रिहाई के बाद आनंद मोहन लगातार गायब रहे हैं, वो पेशी से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन 1 मई को अब देखना होगा कि आनंद मोहन कोर्ट पहुंचते हैं या फिर अपने वकील को खड़ा करते हैं या किस तरह से वो समय ले लेते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर तो देखिए मुश्किलें कम नहीं होती नजर आ रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।
बिहार सरकार के संशोधित कानून के बाद मुजफ्फरपुर